हेलो फ्रेंड्स, घर पर बैठे आप किस प्रकार बरगंडी कलर कर सकते हैं अपने बालों का और बहुत ही कम दाम में आपका ये हो जाएगा, यानी आपको 30 से 40 रुपए के अंदर ये पूरा चीज़ हो जाएगा और बालों का रंग आपका इतना अच्छा रहेगा, बरगंडी के साथ ग्लॉसी हो जाएगा आपका बाल। जिस प्रकार से मैं इसे कर रही हूँ, दिखा रही हूँ, ठीक उसी प्रकार से आप इसे कीजिए। देखिए, मैंने निशा लिया है। आप इसे थोड़ा ज़्यादा अगर डाल रहे हैं नुपुर के साथ मिलाकर, या कोई भी मेहंदी जो है ना, मेहंदी होता है उसके साथ मिलाकर अगर आप इसे लगा रहे हैं, मिला रहे हैं, तो इसे कलर बहुत अच्छा इसमें आता है, टिंट बहुत अच्छा आएगा आपका इसमें बरगंडी का। चलिए हम मिला लेते हैं। बहुत ही सिंपल है, आपको इसे रखने का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा 2-3 घंटा, बस आप इसे मिलाइए और अपने बालों पर लगाइए। देखिए, 2 निशा मैंने लिया है और अब नुपुर 2, यानी हेना का कोई भी मेहंदी, जनरल जो मेहंदी होता है हम लोग बालों पर लगाते हैं, उसे भी साथ में मिलाना है, जिससे कंडीशनिंग भी बहुत अच्छे से होगा, बाल आपका बहुत सॉफ्ट हो जाएगा। इन दोनों को मिलाकर अगर आप लगा रहे हैं तो यकीन मानिए इतना ग्लॉसी हो जाता है बाल, इतना ग्लेज आ जाता है आपके बालों पर और उतना ही स्मूथ एंड सॉफ्ट हो जाता है। कंडीशनिंग साथ साथ हो रहा है क्योंकि आप साथ में नेचुरल मेहंदी इसमें दे रहे हैं। मैं इसमें अपने अंदाज से पानी मिला रही हूँ, बहुत ही इजी तरीका है। आपको इसमें गर्म का पानी का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा, जनरल जो पानी है, नॉर्मल प्लेन पानी, उसी से मिलाइए और इसे लगाइए। लगाने का तरीका भी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ आगे। और थोड़ा पानी का ज़रूरत है, थोड़ा कम कम करके पानी मिलाइए, क्योंकि पेस्ट अगर बहुत गीला हो जाएगा तो ये बाल से नीचे आ जाता है, यानी गर्दन पर आ जाएगा, तो वो सही नहीं रहता है, इसीलिए कम कम पानी मिलाया कीजिए, मिलाकर आप इसे लगाइए अपने बालों पर। देखिए, अभी भी ये काफ़ी थिक लग रहा है और थोड़ा सा इसमें पानी देना है। पेस्ट ऐसा हो कि आप टमेटो के केचप होता है या टमेटो सॉस का जो एक कंसिस्टेंसी रहता है ना, उस हिसाब से आपको इसे बनाना है। देखिए, अब इसे आपको अच्छे से फेंट लेना है, जिससे दोनों ही मेहंदी अच्छे से अपने आप में मिल जाए और इसमें जो गुठली बना हुआ है वो ठीक हो जाए, यानी पूरा मेहंदी अच्छे से मिल जाना है। अब हाथों पर आप ग्लव्स पहन लीजिए, यानी लगा लीजिए, उसके बाद ही इसे लगाइए, नहीं तो हाथों पर आपका कलर आ जाएगा, स्टेन पड़ जाएगा, वो सही नहीं लगता है देखने में। वैसे आप बिना ग्लव्स का भी आप कर सकते हैं, पर हम लोग ग्लव्स पहन लेते हैं, पहन कर भी इस मेहंदी को लगाते हैं।
दो घंटा तो रखना ही है, 2 से 2.5 घंटा। कढ़ाई थोड़ा दिखा।